नमस्कार दोस्तों, देखा जाए तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए अलग स्थान जरूर बनाया जाता है और हर घर के पूजा स्थल में सभी देवी देवता की प्रतिमा या मूर्ति जरूर रहती है। लेकिन कर्म फल दाता शनिदेव, जिनसे हर कोई डरता है, साथ ही इनकी क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हर कोई इनकी पूजा भी करता है, इन्हें घर में विराजित नहीं किया जाता। क्या आपने कभी किसी भी घर के मंदिर में शनिदेव की कोई प्रतिमा देखी है? यकीनन नहीं देखी होगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह है या फिर ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर घर के पूजा घर में शनिदेव की मूर्ति क्यों नहीं रखी जाती। तो आइए जानते हैं। पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में पूजा पाठ को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका पूजा पाठ करने के दौरान बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। इनमें से एक है घर के पूजा स्थल में शनिदेव की प्रतिमा रखना। दरअसल हमारे समाज में शनिदेव को लेकर एक अलग तरह का भय है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि शनिदेव की पूजा अधिकांश लोग भय के कारण करते हैं या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा लोग अपनी आस्था के अनुसार करते हैं, लेकिन देखा गया है कि शनिदेव को लेकर एक तरह से लोग भयभीत रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कभी भी घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शनि को इस बात का श्राप मिला हुआ है कि वो जिस भी किसी को देखेंगे उसका अनिष्ट या बुरा होगा। ऐसे में घर के अंदर शनिदेव की प्रतिमा को रखना खुद की परेशानियों को बढ़ाने जैसा है। हालांकि अगर आप शनि भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो घर के बाहर किसी मंदिर में ही करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर में शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो उनका मन में स्मरण करें, साथ ही शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा करें और शनिदेव को भी याद करें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो वहीं हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी और प्रतिमाएं हैं जिन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। बता दें कि शनिदेव के अलावा घर में राहु केतु, भैरव और नटराज की मूर्तियों को भी नहीं रखा जाता है। इनकी भी आराधना घर के बाहर की जाती है। ऐसा करने से आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।